इंटरेक्शन कर रही थी यू मैम, मैं नो इज क्लास नाउ में खत्म हो गया था। इंट्रोवर्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन खत्म हो गया था, है ना। आज हम लोगों ने करना है फिर ग्रोथ कर्व की तरफ जाएंगे, तो चैप्टर वही है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। आज हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो जो हमारे क्वेश्चन पीछे बच गए थे, हम लोग लगा नहीं पाए थे ना थ्योरी, क्योंकि थ्योरी एनसीईआरटी के साथ पढ़ रहे थे तो टाइम नहीं बच रहा था, तो आज हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ऑलराइट, यस तो मैम। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आज करेंगे ग्रोथ कर्व्स, ठीक है। ग्रोथ कर्व्स आर बेसिकली ग्रोथ मॉडल्स। जो ग्रोथ मॉडल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉडल्स पे आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे पूछ लेंगे फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है आपको, सॉल्व नहीं करना है, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है सीधा के सीधा थ्योरी के ऊपर, थ्योरी से बना के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। लेट क्यों आए हो भाई, गुड इस खुशी इवनिंग में? मैम। गुड इवनिंग, टाइम से क्यों नहीं आते हैं? मैम पहली बार हुआ लेट। पहली बार हुआ लेट? चल ठीक है। अच्छा, हरीश, हाँ तू पहली बार हुआ, फिर तू तो आ जाता है। बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे? इनका रोज का है कुछ का है? बड़े लगेगा तुमको, मैं नोट कर लूँ कौन से बच्चे रोज लेट आ रहे हैं और फिर मैं उसका डाउट ना लूँ, देख दो दिन रुलाऊँ, बढ़िया लगेगा तुमको। फिर तुम्हारी मम्मी पापा फोन करे, मैडम आप डाउट नहीं लेते, फिर मैम कंप्लेन करे गुड कि इवनिंग बच्चे मैम, रोज टाइम पे नहीं आते हैं। गुड प्रवीण लेट इवनिंग क्यों मैम। आया है? लेट क्यों आया है? थोड़ा तेरा नेट हर का रोज इशू नेट का था, इशू होता है? हर रोज लेट आता है? दो मिनट लेट, दो हर मिनट रोज लेट। लेट लेट तो रोज आता है ना, एक क्लास बता दे इसमें टाइम पे आया। मेरे को हमेशा से ज्यादा तो लेट आता है, क्यों? 2 मिनट में क्या हासिल कर लेते हैं? नैप लेकर आता है ऐसे में, सो गए तो भाई लगाएंगे क्या भाई? टाइम से आ जाए करो यार, टह 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 चलता रहता मेरे कानों में, ऐसे मत किया करो यार, टाइम से आ जाए करो। कभी तो किसी दिन खामखा ब्लॉक कर दूंगी तुम लोगों को बाहर, इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन से मैं करती नहीं हूँ। टाइम से आ जाए करो मैम, मेरी तो क्लास लेट हो जानी होती है। अच्छा, अगर तुमको होता इशू तो पहले मुझे तभी तो पता चलेगा, तुम डालोगे उसके अंदर। सोचो कोई लेट ज्वाइन कर रहा है उसके और लेट हो जाएंगे। तो आज हम करेंगे ग्रोथ रेट, ग्रोथ कर्व। जो ग्रोथ ग्रोथ मॉडल्स बहुत सिंपल होते हैं, हम इसको समझने के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो कल ले मैं प्रवीण को नहीं बोल रही थी, तो सबको बोल रही थी जो तुम लेट आते हो। ओके, तो हम लोग ये जो ग्रोथ मॉडल्स करेंगे, हम लोग समझेंगे इसको आपस में बात करके कि क्या होते हैं। बहुत ईजी होते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में डिफिकल्ट है। तो जो चीज डिफिकल्ट होती है उससे क्वेश्चन आसान आता है, जो चीज आसान होती है उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है। तो इकोलॉजी इजी, इसलिए उससे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। ओके, क्योंकि इस पार्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक डिफिकल्ट है अपने आप में, इसलिए इससे क्वेश्चन ईजी आते हैं। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी एक्स्ट्रा क्लास तक PYQs लगाएंगे। क्लियर है? यो सिंपल, मैम, इजी पीजी है, कुछ नहीं है। इसको हम लोग पहले अपनी भाषा में समझेंगे, उसके बाद हम इसको बुक से करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ग्रोथ मॉडल, लेट्स सी। खाली पेज कहाँ है हमारा, ये रहा। सबको स्क्रीन दिख रही है? ठीक यस मैम। है, तो अपने कुछ नहीं करना, हमने दो कंडीशन लेनी है और अपने दिमाग से खुद ही सोचना है, तुमको इसको खुद ही सॉल्व करना है ना। तो मेरे कान में टूटू हो रहा है। इसको तुमने अपने दिमाग से खुद सॉल्व करना है कि देखो मेरे को कोई वॉलंटियर साइंटिस्ट चाहिए। हाँ, लेट आने वालों को तो नहीं बनाऊंगी मैं, ये तो भूल जाओ। ये बता टाइम से कौन आया था? मैं आया मैं कौन? बकरी, बकरा, था एम हर्ष। हर्ष। इसने कितने कष्ट लेके बोले ना, हर्ष। ओके हर्ष, हर्ष हम तुम्हें वॉलंटियर लेते हैं, सॉरी राशि बेटा। उसने, हर्ष ने पहले बोल दिया। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, एम अलग अलग मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी में, तो दोनों बता दे। एम हिंदी में होता है खुशी और इंग्लिश वाले हार्श का मतलब कठोर जो होता है। अच्छा हर्ष, हाँ कठोर, खुशी और कठोर, क्या खतरनाक नाम है तुम्हारा, है। कभी तुम खुश हो, कभी जिंदगी कठिन है, वाह क्या बात है बेटा, पापा मम्मी ने नाम सोच के रखा है। चलो, तो हर्ष तुम लेबोरेटरी में थे और ये तुम्हारे पास पेट्री डिश है, ठीक है। तुमने कहा कि आज मैं उगाऊंगा बैक्टीरिया, तो तुमने 2-3 इकोलाइस में डाल दिए, ठीक है। क्या डाला तुमने? इशोरेशिया कोलाई। बोला अब तूने कहा इसको ग्रो करवाना है, तो अगर तेरे को इसको ग्रो कराना है इसकी कॉलोनी को, तो इसको क्या देना पड़ेगा तुझे? थोड़ा न्यूट्रिएंट्स तसल्ली करा। देना। हाँ, न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे। तो अपन जो न्यूट्रिएंट होता है ना, उसको हम बैक्टीरिया कल्चर में बुलाते हैं कल्चर मीडियम, ठीक है। कल्चर मीडियम का मतलब ये है कि इसने सारे न्यूट्रिएंट दे दिया इसको, ठीक है।
अब जो तूने न्यूट्रिएंट, क्योंकि तू खुद डाल रहा है ना, तो तू रोज इसमें न्यूट्रिएंट डाल रहा है, तो इसके लिए इकोलाई के लिए खाना जो है, कल्चर मीडियम मतलब उसका फूड, तो इसको फूड कैसा है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है? लिमिटेड, लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड, हर तरह जितना मन कर रहा है उतना खाना डाल सकता है, तो इकोलाई के लिए खाना तो अनलिमिटेड नहीं हुआ? मैम यस तो अनलिमिटेड। हाँ, ये तो लेबोरेटरी में ना, तो बेटा खाना अनलिमिटेड है क्योंकि हर्ष देता चला जा रहा है, लिमिटेड है जब नेचर में प्रेजेंट है, ये तो मैन मेड कंडीशन है ना, ह्यूमन मेड, तो अनलिमिटेड है, तो ये कंडीशन है इन लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में सब कुछ अनलिमिटेड है जब तक हर्ष प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हर्ष की लैब है, ठीक है? तो फूड इसने अनलिमिटेड दिया, अब यार कुछ एक और गंद भी तो मचाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से वेस्ट मटीरियल सिक्रीट करेंगे, कुछ ना कुछ मरमरा जाएंगे, तो जो इकोलाई मरमर रहे हैं या फिर वेस्ट मटीरियल सिक्रीट कर रहे हैं, तो तूने यह किया हर्ष, सारा वेस्ट रिमूव भी कर दिया। तो देखो हर्ष क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ी सही चीज कर रहा है वो, कल्चर मीडियम में रोज दे रहा है, डेली कॉन्टिन्यूसली कल्चर मीडियम दे रहा है, कॉन्टिन्यूसली खाना दे रहा है और कॉन्टिन्यूसली वो वेस्ट भी रिमूव कर रहा है, ठीक है? तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होगी, क्या वो ग्रोथ का, देखो सबसे पहले ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करेंगे, ठीक है, इन नंबर, और रेट के फॉर्म में बात करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है? तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज है ना, ये सबको समझ आ गया, तो हमने कंडीशन को नीचे इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, समझ सबको आ गया, राइट? कि जब हमारे पास इन लेबोरेटरी, ध्यान से सुनना, इन लेबोरेटरी कंडीशन में, यानी कि कंट्रोल्ड कंडीशन में, है ना, कंट्रोल्ड कोई भी वर्ड हो सकता है, कंट्रोल कंडीशन में जो रिसोर्सेज दिए वो लिमिटेड थे या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड ना, अनलिमिटेड और अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो जब तक खाना मिलता रहेगा, जब तक सफाई हो रही होगी, तब तक ग्रोथ कैसी रहेगी? इंक्रीज हाँ, तो इंक्रीज ग्रोथ, हाँ तो ग्रोथ भी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है, इंक्रीज रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, सही बात है? तो जब भी अनलिमिटेड इंक्रीज होता जाता है उसके लिए हम वर्ड यूज, जब कोई भी चीज इंक्रीज होती जाती है तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल, तो ऐसी वाली ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल 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 ग्रोथ ग्रोथ तो क्या रियलिटी में ऐसी ग्रोथ एग्जिस्ट करती है या सिर्फ लेबोरेटरी में होती है? लेबोरेटरी कई में। केसेस में कर जाती है, अनलिमिटेड कौन सी केसेस में कर जाती है जहां लिमिटेड खाना है? कौन सी धरती की ऐसी जगह है बेटा? मैम आर्टिफिशियल जैसे हमारे मम्मी पापा हमें देते रहते हैं वैसे वाला। धरती की जगह नहीं है ना, वो कंट्रोल्ड कंडीशन है, ठीक है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है पापा के पास, बेटा लिमिटेड है, तुम्हारे लिए अनलिमिटेड दे रहे हैं वो, ठीक है, हम कितने मासूम बच्चे हैं, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, पैसे लिमिटेड है, तुमको हम देते जा रहे हैं, वो हमें पता है कि हमारा क्या क्या कट जाता है उसमें खाने का, ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था अभी, किसी ने पीछे मुझे कुछ बोला था, आर्टिफिशियल कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन इज नॉट नेचुरल, नेचुरल ना, तो मैं नेचर की बात कर रही हूँ, क्या धरती पे ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? थिंक नो मैम थिंक थिंक, पान, जब मैं ऐसे बोलूँ तो पानी सोचो, धरती सोचो, जंगल सोचो, सब सोच लो, कहीं है ऐसा, कहीं देख लिया डिस्कवरी में? नो मैम नहीं, एक्चुअल में नहीं है, अरे हर जगह लिमिटेड रिसोर्सेज है, कहीं पे भी चले जाओ, एक टाइम के बाद खाना खत्म हो जाता है, कंपटीशन बढ़ता है, तभी तो कंपटीशन है, कोई स्पीशी दूसरी स्पीशी से इंटरेक्ट करेगी क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आगे खेने के फंस जाते हैं, अदरवाइज क्या जरूरत है किसी को मुंह लगाने की, अपना ना जी ले इंसान, सही बात है ना? मैम सीरियसली कोई किसी को ना बुलाए, राइट? तो ये लेबोरेटरी कंडीशन है, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअल में दिखती नहीं है, ठीक है, नेचर में ग्रोथ है, वो थोड़ी लॉजिकल बात करो ना, ये तो तुम कुछ भी बोल रहे हो, है ना, तो हम बोलेंगे ना, जब कोई कुछ भी बोलता है उसको बोलते हैं तू लॉजिकल बोल, थोड़ा कुछ भी मत बोल, है ना, तो अब लॉजिकल बात। अब दूसरी कंडीशन है, लेट्स से हम विल टॉक अबाउट एंट्स, एंट्स की बात कर ले, यार कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं बैक्टीरिया से थक गई थी तो मैंने एंट का एग्जांपल ले लिया, हाँ, पहले तो हाँ ईश और हर्ष ने क्या दिया तुमको, रीश यस मैम बेटा हाथ पीछे कर ले, डाउट नहीं है तो, कंफ्यूज क्यों करता है मुझे, मेरे ताली को लगता सुन है ताली जी दे दे, सॉरी खुश। यो मैम तो देखो आंट्स की बात करते हैं, आंट, आंटी वाली आंट नहीं, ये है अपनी चींटिया, चींटिया तो आप लोगों ने देखी होगी, मैम या हमारे यहाँ पर जब हम नए नए आए थे तो एक ऐसा माहौल था कि हम कुछ भी रखते तो उसमें चींटी लग जाती थी,
पता नहीं कैसे उन चींटियों को खबर दे कौन रहा था, कुछ भी रखते थे चींटियां लग जाती थी यार। और बहुत, एक पूरा डब्बा मिठाई का लेते खराब हो गया था, आज भी दुख है मुझे इस बात का, समझ रहे हो ना तुम। इतना तो तुम मुझे जानते ही हो कि मुझे कितना दुख हुआ होगा मिठाई का डब्बा खराब हो गया। मिठाई यहाँ की कोई लोकल मिठाई थी, 3 तरीके की ना, मेरे को नाम भी नहीं पता, सोच मैं खा भी नहीं पाई, सोच मेरे दुख कोई नहीं जानता, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा। देखो अभी आंट है ठीक है, अभी चींटी क्या करती है, चींटी कुछ नहीं करती, बहुत मेहनत करती है नलायक को। तुम एक टॉपिक नहीं पढ़ के आते, कौन सा टॉपिक पढ़ने को आता मैंने 11th का बायो मॉलिक्यूल्स बेटा? बायो मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, मैं कह रही हूँ कहाँ रहता है, कह रहा धरती। अबे कहाँ रहता है धरती में? इंडिया में, एशिया करनी थी PYQ उसकी, एशिया में। में PYQ उसकी करनी थी, करी है मामा आपने भेजनी थी और हमने करनी थी। एक पूरी बुक भेजी हुई है यार, तो तुमने रिवाइज ही नहीं करे, मैंने देखा ही नहीं। क्लास देखा ही नहीं। ये देखो एक और वैरायटी है, ये की शाबाश, बात कर लेंगे। क्लास की बात करें। ठीक है ठीक है, नीट की तैयारी कर लो, नहीं तो फिर देख लो धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके कर लो, नहीं तो एक दिन आएगा फुल सिलेबस टेस्ट या मेजर टेस्ट, और सारी वो कहते ना ऐसे हो जाएगी ये क्या हो गया, और फिर बोलोगे ड्रॉप कर लेते हैं। बेटा ड्रॉप कर लोगे तब भी बात वही आ जाएगी, उठ के मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो तुम क्यों 1 साल खराब करके मेहनत करना चाहते हो, तो तुम्हारा साथ साथ निकल जाएगा। ये बोलते बोलते तो मैं थक गई हूँ अब, लेकिन मैं फिर भी बोलती रहूंगी ठीक है। इससे अच्छा तो मेरा ही था, मैंने फिर भी आज फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ लिया, कर कर आगे किसी तरीके से रिवाइज कर लिया, तुमसे तो बेहतर मैं ही थी। बताओ आओ भाई, मैम आप भी हमारे साथ दे रहे हो? यस मैम। मैं भाई मैम मैंने पढ़ू ना, अगर पेपर ना दू तो है खुद को रिवाइज अपडेट ना करूं। सो एनीवेज, सो जो एंट्स है, अब एंट्स की पॉपुलेशन है नेचर में, तो सेकंड कंडीशन नेचर की है हमारी, नेचुरल ठीक है। अब नेचर के अंदर रिसोर्सेस कैसे होंगे, हरीश बताएगा अब हमें। लिमिटेड ये हरीश की बात लड़कियों जैसी कैसे होगी, लिमिटेड लिमिटेड। अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो मेरा ग्रोथ कैसी होगी, आंट या अनलिमिटेड नंबर में इंक्रीज हो जाएगी, या जब खाने की कमी होगी उनमें क्लेश होगा तो उनमें डेथ ज्यादा होगी, तो डेथ ज्यादा होगी, ग्रोथ कैसी? लिमिटेड ग्रोथ इज लिमिटेड। देखो लिमिटेड इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बर्थ नहीं हो रहे, बर्थ भी हो रहा है लेकिन डेथ भी हो रही है, तो ओवरऑल नंबर सेम सेम रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, बर्थ भी हो रहा है डेथ भी हो रहा है, अगर बर्थ रेट ज्यादा हो जाए डेथ का रेट कम हो जाए, इन दैट केस पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा था ना हमने कल एज मॉडल्स पढ़े थे, हमने कहा था ना एक पॉपुलेशन होती है जो इंक्रीजिंग होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर डेथ रेट कम है, ओल्ड इंडिविजुअल्स कम है लेकिन बर्थ रेट ज्यादा है राइट। लेकिन हमने कहा था जो डेवलप कंट्री है उसमें बैलेंस्ड है राइट, उसमें बैलेंस है, इतना ज्यादा नहीं है कि मतलब डेथ रेट है तो बर्थ रेट मैनेज हो रहा है, पॉपुलेशन थोड़ी स्टेबल रहती है ठीक है। तो आंट के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है तो ग्रोथ लिमिटेड है ठीक है। अब ये बात तो लॉजिकल हुई ना, तो ऐसी वाली ग्रोथ को हम क्या बुलाते हैं, ऐसी वाली ग्रोथ कहलाती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बुलाते हैं? लॉजिस्टिक। याद रखेंगे हम ये लॉजिक, लॉजिकल है। तो बताओ नेचर में हम ह्यूमन किस में आएंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉजिस्टिक ग्रोथ? एक्चुअल ग्रोथ ही कॉमन है नेचर में, तो ये एक नीट का क्वेश्चन है, तो ये नीट का क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रोथ कॉमन है नेचर में, दैट इज लॉजिस्टिक वन। क्लियर है सबको? यो यो मैम, थ्योरी के बाद यही खत्म होता है ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब इसके फॉर्मूलाज लगाते हैं और इसके बाद हम इसका ग्राफ लगाएंगे ठीक है। आ जाओ इस पेज नंबर पे ग्रोथ मॉडल्स पे, कौन सा पेज नंबर है आपका? 194 निकालो भाई, 194 लाइको 229 निकाल लो, जिसका जो सा पेज नंबर निकलता है निकाल लो ठीक है जी। तो देखो ग्रोथ मॉडल अब ठीक है, अब सब माइक बंद करेंगे और मैं बोलूंगी, नहीं तो किसी को समझ नहीं आएगा। ओके सब रेडी, स्टार्ट करें? देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं पूछूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा चुप। Does the growth of a population with time show any specific or predictable pattern? वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है, मैंने कहा ना ग्रोथ आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल के सेंस में देखनी है, तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है किसी भी पॉपुलेशन की, जैसे इंसान की पॉपुलेशन है या तुम्हारे एरिया में डॉग की पॉपुलेशन है, तो जो ग्रोथ है किसी पॉपुलेशन की टाइम के साथ क्या कोई स्पेसिफिक या प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो करती है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न या प्रिडिक्टेबल पैटर्न, मतलब कि क्या मैं कह सकती हूँ कि इंडिया की जो ग्रोथ है
आज से 20 सालों के बाद मैं थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि इंक्रीज होगी या डिक्लाइन जाएगा, क्या प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो करती है, यस या नो? यस मैम। नो मैम। बेटा बिल्कुल कर सकती है। आपने एज पिरामिड बने थे, तो अगर मैं इंडिया का एज पिरामिड बना लूं तो मेरे को पता चल जाएगा ना रिप्रोडक्टिव एज में कितने लोग हैं, तो मैं तुक्का लगा सकती हूँ ना कि अगर रिप्रोड्यूस करने की एज में 1 करोड़ लोग हैं और हर घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो मैं थोड़ा एस्टिमेट लगा सकती हूँ ना कि ग्रोथ कैसे जाएगी। प्रिडिक्टेबल है ना, अगर हमारे को पता हो। तो हम क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं कि इंसानों की ग्रोथ तो ठीक है, चलो हम जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जनरली हम एनिमल्स में यहाँ लगाते हैं, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनकी ग्रोथ जानना चाहते हैं। जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि कॉकरोच की पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाना चाहती हूँ कि यार आगे 10 सालों के बाद इनकी पॉपुलेशन का कैसे चलेगा या 5 सालों के बाद कैसे चलेगा, ताकि मैं देख सकूँ ना मुझे कुछ इसमें कंट्रोल करना है या नहीं करना। तो ये जो ग्रोथ मॉडल्स है हम क्यों बनाते हैं, हम किसी भी पॉपुलेशन के लिए बना सकते हैं, कॉकरोच के लिए, छिपकली के लिए, आंट्स के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल किसी के लिए भी बन सकते हैं, ये जानने के लिए, एक एस्टिमेट लगाने के लिए कि आने वाले टाइम में ये कैसे होंगे, और अगर आने वाले टाइम में उससे वो डेविएट हो रहे हैं तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि पॉपुलेशन डेविएट हो गई। समझ आई बात? पर्पस अब देखो ध्यान से सुनो। वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री, एंड इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेन टू ग्रोथ। ये होगी बात कि हर्ष और हरीश बैठे हुए हैं और ये ऐसे बैठ के सोच रहे हैं कि यार पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है हमारे देश की, मतलब भाई साहब आप सोचो, है ना अभी बुड्ढे हो गए दोनों आपसे बात करें, नहीं हर्ष भाई आप सोचो कितनी पॉपुलेशन बन रही है, हरीश बोलो भाई बहुत पॉपुलेशन हो गई है, फिर हरीश बैठ के वेला ऐसे सोच रहे अच्छा क्या लगता है तुझे ये छिपकली की पॉपुलेशन भी ऐसी होगी, फिर हर्ष बोलो चलो बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये दो लोग बैठ के सोच रहे हैं कि हमें हमारी पता है, चलो देखते हैं बाकी लोग भी हमारे जितने बर्बाद हो रहे हैं या नहीं, तो यही बात यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्यूरियस है। तो इसी क्यूरियोसिटी में, हर्ष और हरीश की क्यूरियोसिटी में ग्रोथ मॉडल्स का जन्म हुआ। क्लियर है? अब सबसे पहले हर्ष किसी बात पर खुश नहीं होता है, अब सबसे पहले हम बढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था, रिसोर्सेज कैसे थे। अब देखो ग्रोथ मॉडल दो ही टाइप के, एक एक्सपोनेंशियल बढ़ना है और एक लॉजिस्टिक बढ़ना है, इससे ज्यादा वैसे तो यही होते हैं, इसके अलावा भी कुछ है तो तुम्हें जाना नहीं है, तो तुम्हें दो पढ़ने। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज कैसे थे, लिमिटेड अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। और ग्रोथ कैसी थी, लिमिटेड अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। जब अनलिमिटेड खाना होगा तो ऐश होगी ऐश, है मतलब कॉकरोच को अनलिमिटेड खाना मिल रहा है तो रोज खा पी के टुल्लो के बैठेगा, है ना, फिर कल फिर खाएगा, सही है। बहुत सारे बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ा के बोलोगे जाओ सब खाओ, राइट। तो अगर ग्रोथ रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और ग्रोथ अनलिमिटेड है तो देखो क्या होता है। रिसोर्सेज का मतलब है फूड एंड स्पेस, वो दोनों चीजों को मेंशन कर रहा है। देखो नीट ना ऐसी चीजें पूछ लेता पता नहीं कहां किसी क्वेश्चन में घुसा के, तो क्लियर रख लेना रिसोर्स का मतलब है खाना और जगह, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एनिमल के केस में, तो रोटी एंड मकान। क्लियर सुना है ना ये डायलॉग? शुक्र है। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। अनइम्पेडेड मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन के लिए आपको सबसे बेसिक चीज चाहिए रोटी और मकान, है ना। आइडियली हम कहते हैं कि जब रिसोर्सेज एक हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब एक जगह तो तुम देखोगे ना, तो हम किसी जगह में चले जाते हैं, तो हम लैब में जाएंगे, किसकी लैब थी ये? हर्ष की लैब में जब हम गए तो दैट इज अ लैब इज अ हैबिटेट। तो इस हैबिटेट में जब हमने देखा कि जो रिसोर्सेज है खाना और जगह अनलिमिटेड है, भाई हर्ष ने तो पूरा से वो बना रखा खुशियां ही खुशियां, तो कह रहे रिसोर्सेज हैबिटेट अनलिमिटेड है, तो जितनी भी स्पीशीज है वहां पर वो उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो पूरी की पूरी, ध्यान से सुना ये बात, ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी, मतलब जो भी बैक्टीरिया या कोई भी स्पीशीज थी वहां उसके पास एबिलिटी है रियलाइज इट्स innate potential to grow in number, to realize मतलब कि वो एक तरह से achieve कर ले, क्या achieve कर ले, innate potential to grow, innate potential to grow का मतलब है, innate मतलब individual के अंदर, individual की capacity कह लो, ठीक है। तो ये मेरी इनेट पोटेंशियल है, मैं कितना पढ़ा सकती हूँ, तो ये कह रहे हैं इनेट पोटेंशियल टू ग्रो, ग्रो का मतलब है रिप्रोडक्शन,
अब इस पूरे सारे वर्ड्स को कंबाइन करो कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, खाना है और जगह है, तो हर स्पीशी के पास, चाहे वो बैक्टीरिया था हर्ष की लैब में, चाहे वो और फंगस को ग्रो कर रहा है, हर स्पीशी के पास कैपेबिलिटी है कि वो अचीव कर पाए, जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है उतना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस कर पाए। समझ आई बात? यो मैम। सेम बात बोली थी डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में भी, कि भाई जब कोई फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव ज्यादा कर जाएगा, है ना? राइट, देन द पॉपुलेशन, अगर ऐसा है जैसा हमने हर्ष की कंडीशन में बोल दिया, इसकी लैब में बोल दिया, अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, तो पॉपुलेशन ग्रो इन एन एक्सपोनेंशियल, तो पॉपुलेशन ग्रो कैसे करेगी? अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दूसरा नाम इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फैशन में ग्रो करके। नाउ इफ इन ए पॉप, अब देखो, अब इसको आपको फॉर्मुला में पुट करना है, ठीक है? तो देखो ध्यान से, देखो सारे के सारे, हम सारे हर्ष की लैब में घुसे हुए हैं आज, इधर से करेंगे। तो देखो इनिशियली इसने डाले थे कौन से बैक्टीरिया? इनिशियली भी पॉपुलेशन की कोई डेंसिटी होगी ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? एन, कैपिटल एन, कैपिटल स्मॉल कोई नहीं बोले, क्या बात? कैपिटल एन, तो इनिशियल डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, जब इसने बैक्टीरिया डाले तो थोड़े से थे, कैपिटल एन से मैंने रिप्रेजेंट करे। हम कह रहे हैं हमने इसको छोड़ दिया एक वीक के लिए, अब एक वीक के बाद हम दोबारा आए हैं, हम कह रहे हो हम तो देखेंगे इसकी लैब में क्या हुआ। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि एक वीक के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे हुई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होगी? यस मैम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी ना? यस मैम। तो जब भी हमें चेंज रिप्रेजेंट करना होता, तब हम क्या सिंबल लगाते हैं? उस वैल्यू के आगे डी लगाते थे ना, छोटा डी, दैट रिप्रेजेंट डी। अब देखो मैं लिखूंगी चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज डी एन, डी रिप्रेजेंट चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक हफ्ता हो गया ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होगी, क्या क्या होगा एक पॉपुलेशन के अंदर कि उसका नंबर चेंज हो? क्या दो चीजें होती है जिससे कोई डेंसिटी चेंज होती है मेनली? दो चीजें मेन, बर्थ होगा या डेथ होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं लगाऊंगी बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है? तो मैं लिखूंगी बर्थ रेट छोटा वाला बी माइनस डेथ रेट, माइनस करूंगी ना, प्लस क्यों करूंगी, कि एक जितने बर्थ हुए 100 बच्चे पैदा हुए तो कितने मर गए उसकी वैल्यू निकाल दो, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। लेकिन मुझे इनिशियल वैल्यू भी तो लिखनी है ना, इनिशियल पॉपुलेशन की वैल्यू क्या थी, तो दैट वाज कैपिटल एन, सो दिस वुड बी माय फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है? अब देखो इफ अ पॉपुलेशन साइज इज एन, डेंसिटी को ये साइज को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, एनसीईआरटी वाले पागल है, ये पता है ना हमें? तो देखो बर्थ रेट का मतलब है टोटल नंबर नहीं, बट पर कैपिटा बर्थ, मतलब हर एक बैक्टीरिया ने कितने बच्चों को जन्म दिया उसको कहते हैं पर कैपिटा, एक एक इंडिविजुअल को काउंट करके हम सम अप निकालते हैं, राइट? नंबर बेशक रेशियो में आता है लेकिन हम एक एक इंडिविजुअल को काउंट करते हैं। तो याद रखना बर्थ रेट इज पर कैपिटा बर्थ है, ये नीट में कहीं किसी स्टेटमेंट में आया था, मैं भूल गई हूँ वो, लेकिन इसको अंडरलाइन करो। और डेथ रेट भी हम पर कैपिटा डेथ की बात कर रहे हैं। देन इंक्रीज पॉपुलेशन में कितना हुआ, दैट इज dn minus d, dn by dt equals to b minus d into n। अब हमें इतना पता है फॉर्मूला से कि b minus d को हम एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं छोटा वाला r। तो अगर इसे छोटा वाला r कहते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला चेंज करूं मैं तो क्या बनेगा, dn by dt r into capital N, ये बन गया, दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला। राइट कर लिया दोनों फॉर्मूला? yeah. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बोलेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको क्या फॉर्मूला आता है, तो आपको कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कहाँ माइनस कहाँ प्लस। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर एक हफ्ते के बाद मैं लेबोरेटरी में आई तो मुझे, तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर एक हफ्ते के बाद मैं लैब में आई तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि भाई पॉपुलेशन की डेंसिटी कितने नंबर से इंक्रीज हुई है। सिंपल, अब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो मेनली किस बेसिस पे हुई है कि उस पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है ना, ये बात है। अगर वहां पर 50 बैक्टीरिया है तो मैं कह सकती हूँ ना कि ईच बैक्टीरिया कितनी बार क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन, ये होता है रिप्रोड्यूस,
हाँ भाई, यो तो यो मैम, एरोजन से करता है बैक्टीरिया, ठीक यो यो मैम, है ना। तो हर एक बैक्टीरिया की पोटेंशियल हम कहते हैं छोटा आर, विच इज रिप्रेजेंटेड एज दिस आर इन दिस इक्वेशन कॉल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि किस किस बैक्टीरिया की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना इंक्रीज हो सकता है। मतलब अगर मैं नेचुरल इंक्रीज बोल रही हूँ, किस बैक्टीरिया की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो बच्चे कितने बना सके और उसके बाद उसकी कब डेथ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं आर। कह रहे पूरी यो क्लास है ना, तो छोटा वाला आर मैं कह सकती हूँ कि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी है कि वो कितना पढ़ सकता है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, बेशक हम इसमें रिप्रोडक्शन नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना क्या कॉन्सेप्ट है ये। यो तो तुमसे ना वो यही पूछते हैं कि छोटा वाला आर किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो छोटा वाला आर आपकी ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा वो पूछते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तुमने ये जो यहाँ लिख दिया है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है, मान लो वर्क कर रहा था इकोलाई के ऊपर हर्ष, ठीक है। तो इसने इकोलाई के कल्चर मीडियम में डाल दिया, कुछ भी ले लेते हैं, लेट से एक्स केमिकल डाला। इसके अकॉर्डिंग एक्स केमिकल डालने से ना इकोलाई को मर जाना चाहिए था, ठीक है, या फिर इकोलाई की ग्रोथ को थोड़ा स्टॉप करना चाहिए था। तो ये चेक करना चाहता है कि इकोलाई के अगेंस्ट केमिकल एंटीबैक्टीरियल है या नहीं, राइट। तो वो कैसे चेक करेगा, वो पहले इकोलाई का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व निकाल लेगा, डीएन बाई डी टी आर एन। वो उसको आर की वैल्यू पता होगी कि यार जब सब कुछ ठीक था तो ई आर, जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, लेट से आर की वैल्यू आगी 0.5। अब जब उसने केमिकल डाला ना, तो फिर से वो आर की वैल्यू निकालेगा। अब वो आर की वैल्यू देखेगा कि आर की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स इस केमिकल से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा ग्रोथ बढ़ेगी, और अगर आर की वैल्यू कम आ रही है तो ग्रोथ कम हुई है। तो ये इसको मदद कर देगा कोई केमिकल डिजाइन करने में। ये बात समझ आई? यो यस मैम। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर असेसिंग एन इम्पैक्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑन ए पॉपुलेशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ और सिंपल करूँ, तो देखो लेट्स से हर्ष ने जो इकोलाई को खाना दे रहा था, वो उसको अपन क्या बोलते थे, कल्चर मीडियम। यो अब कल्चर मीडियम में हर्ष कह रहा है हरीश को कि चल यार देखते पानी किसे क्या होता है। तो इसने क्या किया, इसने ना वाटर का लेवल रिड्यूस कर दिया, कह रहा है पानी नहीं दूंगा मैं इसको कल्चर मीडियम में, इसको ड्राई सी फॉर्म में देता हूँ, देखता हूँ क्या असर होता है, ठीक है। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, दैट इज एन एबायोटिक फैक्टर। तो जब उसने पानी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, अब वो बैक्टीरिया में इम्पैक्ट देखना चाहता है। उसको कैसे पता चलेगा यार, एक एक बैक्टीरिया को थोड़ी देखेगा, वो ओवरऑल पॉपुलेशन का आर की वैल्यू देखेगा कि आर की वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब पॉपुलेशन ने नंबर इंक्रीज किया है, आर की वैल्यू डिक्रीज हुई है मतलब नंबर डिक्रीज किया है। अगर इंक्रीज किया है तो मतलब पानी के एब्सेंस में ज्यादा ग्रो कर रहा है, और अगर डिक्रीज किया है तो पानी के एब्सेंस में कम ग्रो कर रहा है। तो कोई भी एबायोटिक फैक्टर अगर उसके आसपास चेंज हो रहा है ना पॉपुलेशन के आसपास, तो उस पर क्या फर्क पड़ता है ना, ये आर की वैल्यू आपको बता सकती है। समझ आया? यो यो मैम, यो यो मैम, यो यो रिपीट कर दो मैम। लगा मुझे। देख इकोलाई जिंदा था, लिविंग है, इसको कल्चर मीडियम दिया हमने, किसको समझ नहीं आया था, नाम बताना, हरीश हरीश। इसको कल्चर मीडियम दिया है ना, खाना वाना सब है इसमें। तो लेट्स से मैंने इस खाने में क्या चीज हटा दी, पानी हटा दिया। तो अगर मैंने कल्चर मीडियम से पानी निकाल दिया, अब मैं सारा कुछ इसको ड्राई दे रही हूँ, पाउडर फॉर्म में दे रही हूँ लेट्स से, ठीक है। तो पहले इस पॉपुलेशन की, जब इसको कल्चर मीडियम नॉर्मल मिल रहा था, तो इसकी आर की वैल्यू थी 0.5, ठीक है। अब जब तूने पानी इसके अंदर से हटा दिया, अब जब तू इसकी आर की वैल्यू निकालेगा ना, तो लेट्स से आर की वैल्यू आ गई 0.2। तो देखो क्या पता चला, पहले 0.5 बड़ा होता है 0.2, 0.2, जीरो पॉइंट टू 0.2 0.5 फाइव हमें 0.5 बड़ा होता है यार, पागल हो रहा तुम। ये रहा वन, ये यहाँ से जीरो होता है, यहाँ पे बीच में पॉइंट्स में वैल्यू आती है 0.5, 0.6, फिर वन रीच होगा, तो यही ज्यादा हुआ ना। ओली ओली ओली, मैम, निकल जाओगे निकल जाओगे, मरोगे मरोगे। तो हरीश एक बात बता, जब तक पानी सब कुछ सही दे रहा था तो ग्रोथ रेट ज्यादा था कि कम? ज्यादा मोर। जब तुमने पानी हटा दिया तो ग्रोथ रेट कैसा हो गया, कम डिक्रीज। कम तो आर की वैल्यू की वजह से तुझे पता चल गया ना कि ये जो वाटर है ये एबायोटिक फैक्टर है या बायोटिक फैक्टर है। ए बायोटिक
तो पता चल गया आर की वैल्यू कंपेयर करके कि एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट है बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये मैम आर की वैल्यू क्या, ये इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताता है कि एक पॉपुलेशन पे नेचर का क्या इफेक्ट होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर, खुद यस मैम ही सॉल्व कर लेते हो अपने डाउट। चलो अब देखो नीचे वाला जो ये पॉइंट्स है ना, ये आपको करने याद, लर्न, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तीन स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी क्योंकि नीट आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट वाइज। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं बस क्षमा चाहूंगी। ओके, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, तुम भी कोशिश कर लो, याद हो ही जाएगी हमें। ये कह रहा है कुछ आर की वैल्यू मैं आपको आइडिया के लिए दे देता हूँ कि कल को आप सोचो आर की वैल्यू 100 होती है, ऐसी नहीं होती, पॉइंट्स में आंसर आता है। जैसे कह रहा है नॉर्वे में जो रैट है, नॉर्वे वाली मूवी देखी है, मिसेस क्या नाम था उनका, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, देखिए। यस मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छी मूवी है, देख सकते, देखनी चाहिए, देखनी चाहिए नलायको, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। मैं कहाँ से दे दूँ, हाँ वो मैं नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दूँ, इतने अच्छे दोस्त नहीं है हम। तो रेड, नॉर्वे रेड की आर की वैल्यू 0.015, ठीक है। फ्लोर बीटल्स जो है छोटे छोटे 0.12, ठीक है। 1981 में ह्यूमन की भी निकाली हुई थी भाई 0.0205, ठीक है जी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, स्टेटमेंट वो पूछ सकता है किसकी कौन सी वैल्यू, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर वहाँ फंस जाओगे। तो दिस इज अ रेटिफिकेशन। इतना क्लियर है सबको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। इसको ग्राफ में लगा लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आई नो दर्द होगा लेकिन ग्राफ में लगा लेते हैं इसको, कुछ कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इतना तो हमको पता ही है अब तक। एक्स एक्सिस में टाइम लगा दो, वाई एक्सिस में पॉपुलेशन डेंसिटी लगा दो। ऊपर को जाओगे तो इंक्रीज होगी, राइट साइड को जाओगे तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पॉपुलेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो पहले पॉपुलेशन उस जगह पे आएगी, ठीक है। अभी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करने लगती, जैसे नए नए, कभी फिश टैंक देखा है, कभी फिश टैंक है किसी के घर में, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही फिश टैंक है किसी के घर में, कोई रिच प्राणी है हमारे यहाँ पे, सब गरीब है। एक्वेरियम की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ यस मैम, देख रहे हैं। अबे घर पे है? यस मैम घर पे है। अरे ये तो रिच है, बताओ, सारी पार्टियां यही देगा बर्थडे की। तो देखो जब फिश टैंक होता है ना, फिश टैंक के अंदर जब नई नई मछली डालते हो ना, तो ऐसा नहीं मछली रिप्रोड्यूस करने लगती है कि जाते ही चलो 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 पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। कम एक आध हफ्ता लेती है वो उस पानी में एडजस्ट होने के लिए, वो पानी देखती है कहाँ पे खाना आता है, किस टाइम खाना आता है, टेम्परेचर क्या है, सब कुछ देखती है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करती है। जैसे आप नए स्कूल में जाते हो तो पहले कुछ दिन तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल होते हो ना, देखते हो टीचर्स कैसे हैं, क्लास में कितने बच्चे पागल है, फिर तुमको दिखता है ये मेरे जैसे ही पागल है, इससे दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे करते हो ना। तो उस टाइम पे आप लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते, आप बस अब ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उस पीरियड को ऐसे दिखा रहे हो कि देखो टाइम बढ़ रहा है, 1 मिनट, लेट्स से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, डेंसिटी ऑलमोस्ट उतनी है, राइट। तो इनिशियली आपका ग्राफ ऐसे रहेगा छोटू सा, इसे हम एक्लिमेटाइजेशन का फेस कहते हैं, ये मेंशन नहीं करते। लेकिन अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो बैक्टीरिया इनिशियली जब सर्च ने पेट्री डिश में डाले तो वो देख रहे थे कि यार ये पागल से साइंटिस्ट ने किसमें डाल दिया हमें, अरे यहाँ तो खाना है, कैसा खाना है देख लेते हैं अच्छे से कितनी जगह है। पहले वो एक्लिमेटाइज हुए, उसके बाद उन्होंने मचा दिया तूफान, फिर खाना 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 खाना, और वो करने लगी ग्रोथ। अब क्योंकि अनलिमिटेड खाना है ना, तो मैं सीधा कर्व नहीं बनाऊंगी, मैं इसको बनाऊंगी ऊपर की तरफ जाता हुआ। ऊपर की तरफ जाने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, पीछे लेके जाओ कि थोड़ा सा टाइम में फर्क आया, लेट से 1 आवर से अभी सिर्फ 1 आवर 5 मिनट्स हुए हैं, उतने में ही पॉपुलेशन का नंबर कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो इंक्रीज ना डेंसिटी में एज कम्पेयर टू टाइम। देखो यहाँ कितना इंक्रीज है, और टाइम में मुश्किल से थोड़ा सा इंक्रीज आया, 1.15 मिनट्स, और उतने में इतने सारे पॉपुलेशन हो गए, राइट। तो ऐसे वाले कर्व को हम बनाते हैं इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये बात क्लियर है। ये कर्व की शेप देख के बताओ कैसा दिख रहा है, क्या ये कर्व आपको एस जैसा दिख रहा है, जे जैसा दिख रहा है? जे जे जे। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व, और ये लिख के लाता है हमारा जे शेप कर्व, ओके। अब देखो अगर मैं इसमें वैल्यू निकालने लग जाऊं, मैं चाहती हूँ मेरे को एक्सपेरिमेंट लगाना है, ठीक है, क्यों मेरे को लगाना है, अगर अब मेरे को एक्सपेरिमेंट लगाना है तो मैं चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि जब 1 आवर हुआ एक्सपेरिमेंट लगाए, जब 2 आवर हुआ, जब 3 आवर हुआ, तो कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई, मैं इस कर्व की मदद से लगा पाऊंगी बता सही से, सोच के बताओ। ये बहुत स्टीप है, इतनी स्टीपनेस के साथ
पता लगा ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा ना टाइम की वेरी नहीं कर रही है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो जब आपको एग्जैक्ट सी वैल्यू चाहिए होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं फॉर्मूलाज को चेंज कर देते हैं लॉग में. लॉग टेबल तो देखा होगा आपने, देखा है ना. तो आपको क्या करना है कि आपने जो पीछे का फॉर्मूला है ना उसको लॉग टेबल में लगा दो, उस फॉर्मूला को मॉडिफाई लगा कर दो और लॉग की वैल्यू ले आओ. जब भी आप लॉग टेबल बनाते हो तो आप लॉग की वैल्यू, आपने कभी भी देखा ही होगा कि जब आप लॉग की वैल्यू निकालते थे तो कैसे निकालते थे, कोई वैल्यू आती थी आप उसका पॉइंट लगाते थे ग्राफ में, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू का, फिर बाद में आप वहां पर लाइन बना देते थे, ऐसे करते थे. यस अब ये जो सीधे, क्योंकि लॉग टेबल से लाइन सीधी आ जाती है, तो अब तो मैं निकाल सकती हूँ ना कि कितने टाइम पे कितनी ग्रोथ है, कितने टाइम पे कितनी ग्रोथ है, निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो जो पीछे का फॉर्मूला है बिल्कुल सही फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, पर उससे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पाता कुछ, तो हम उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे. तो इस स्पेस पे हमने क्या कर लिया, हमने स्पेस पे कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला को लॉग में चेंज कर दिया. ठीक है, तो हमने अपने वाले फॉर्मूला को लॉग में चेंज करा इस वाले केस में. ओके, आपको कुछ भी अप्लाई करने के लिए नहीं आएगा, बस फॉर्मूला ढंग से सुन लो. एक मिनट देना मुझे चार्जिंग पे लगाना है. एक खुल गया, बेचारा कौन सा बच्चा है जो आ जा रहा है, इतनी टिंग टोंग ऐसे करता है, भैल फजी है घर की. आया कोई, आया है चार्जर पास ही है इसलिए बोल रही हूँ, सोचते रहे कैमरा बंद करके क्या कर रही है. देखो लॉग में लगा दो तो कोई चक्कर नहीं. देखो सबसे पहले जब आप इक्वेशन, जो ऊपर की इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, फॉर्मूला था dn by dt equal to rn ये बताती हमें एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. भैया पहले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ये रही सामने, कर्व कैसा आया, जे शेप. ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा आता है. अब आप इसको ढंग से बनाना चाहते हो इन द टर्म ऑफ लॉग, तो आप इस फॉर्मूला में लॉग टेबल घुसा दोगे, तो वैल्यू ऐसी आएगी कि पहले जब पेट्री डिश में इसने बैक्टीरिया डाला था हर्ष ने, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसको मैं कहूंगी एन नॉट. तो एन नॉट इज द, जो मैं जहां अंडरलाइन करूं वहां देखो, एन नॉट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, जब बिल्कुल स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तब पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं एन नॉट कहूंगी. और जब मैं उसको एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको मैं एन टी कहूंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी. ये बात समझ आई? अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो आर तो लिखोगे कि हर एक बैक्टीरिया ने कितने बच्चे पैदा किए, कितने लोग मर गए, तो आर की वैल्यू आ गई. और ई, क्योंकि लॉग आप यूज कर रहे हो तो लॉग का भी एक वैल्यू आता है, इट्स नोन एज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है जी, आपसे नीट में पूछते हैं आर की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, और ऑप्शन में दे देते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. खबरदार किसी ने इसे कि टिक किया, तो लॉग की वैल्यू है, ये बेस है लॉगरिथम का. क्लियर है जी, वैल्यू वैसे आएगी नहीं ऐसे याद करने के लिए, पर आप इसको लिख लेना. ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर अ वीक फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी इन टू ई उसके ऊपर आर एन टी, आर एन टी को ऊपर भेज दो. This is the third formula which you need to remember. तो exponential growth में आपको यही formula याद रखनी है. Clear? देखो, any species growing exponentially, कोई भी species exponentially grow कर रही है under unlimited resources condition, unlimited खाने की चक्कर में, तो उसकी population का size, जो उसकी density है, वो बहुत ही short time में increase हो जाएंगे. तो देखो, याद क्या रखना है, unlimited resources, growth भी unlimited है, कितने टाइम में, बहुत ही कम टाइम पीरियड में. क्लियर? यो यो मैम. तो जो डार्विन थे ना, उन्होंने क्या किया था, ये मेरा कैमरा बंद चल रहा है. तो जो डार्विन थे उन्होंने गैलोपेगस आइलैंड्स में सिर्फ डार्विन फिंचेस नहीं पढ़े थे, डार्विन ने गैलोपेगस आइलैंड में टॉर्टोइज भी पढ़े थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, अपा उन चीजों की यहाँ जिक्र नहीं करते. तो उन्होंने एलिफेंट भी स्टडी करे थे, और उन्होंने बताया था कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज देखोगे, दे दोगे ना, तो इतना बड़ा जो एनिमल है एलिफेंट, वो भी अनकंट्रोल वे में ग्रो करने लग जाएगा. ये पॉइंट होता है अनलिमिटेड रिसोर्सेज का. इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए नेचर का तरीका क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड कर दो और प्रीडेशन डाल दो, तभी नेचर में हर एनिमल अपने नंबर को मेंटेन रखता है. क्लियर है सबको? yes, ma'am. अब एक एग्जांपल है वहां पे, देखो ये किंग ऑफ मिनिस्टर, किंग वाला एग्जांपल दिख रहा है सबको,
बेटा इसको रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, हो जाएगा, जो मैंने पीछे समझाया वही है। अब आओ लॉजिस्टिक, लॉजिकल बात करते, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड। लिमिटेड। नेचर में ये दिखता है या लैब में होता है? नेचर में होता है, राइट, ये बात यहाँ लिख रहे हैं, वो भी पढ़ लिया हमने सब, बस इसको मॉडिफाई करना है। देखो, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशी, वो कह रहा है कोई भी स्पीशी हो, चींटी से लेकर बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक, नेचर में मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, तो नेचर में कोई भी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ परमिट नहीं होती है, नेचर परमिट नहीं करता कि तुम एक्सपोनेंशियली ग्रो करो, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिट है, दिस लीड्स टू, दिस को काट के लिख दो एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिखो इसे एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिखा एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसकी वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव कर जाता है और बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, यही समझाया था डार्विन ने भी, उन्होंने अलग तो नहीं कहा था, है ना, सही बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो तुमने सही कह दिया, चलो मान गए हम, तो रिसोर्सेज लिमिटेड हुए, ये पता कैसे चला नेचर को, नेचर का क्या रोल है? अब देखो, नेचर कोई लिविंग थिंग है, देख सकते हो तुम, बात कर सकते हो? टेक्निकली हम बोलते हैं ना नेचर कंट्रोल करते हैं, लेकिन नेचर को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन नेचर की क्षमता, वो कितना आपको सपोर्ट कर सकती है। तो चलो जंगल में चलते हैं, एक बार हम पहले भी गए थे, तो हम सब जा रहे हैं अब मेघालय, गए थे ना हम लोग मेघालय रेन फॉरेस्ट, है ना, तो हम फिर से मेघालय के रेन फॉरेस्ट आ गए, तो तुम समझ ही सकते हो कि मुझे बार बार अपनी वेकेशन याद आती रहती है, कितने अच्छे दिन थे, बस जंगल में घूम रही थी मैं, कहाँ पढ़ा रही हूँ यार मैं, बताओ, चलो ये भी ठीक है, बट दुख होता है, अच्छा पहुंच लो, आ नहीं रहे, थोड़ा कोई बात नहीं, तो रेन फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है। अब रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या है, बहुत हंस रहे हो ना, दूसरों के दुख पे हंसने वालों, तुम्हारा भी वक्त आएगा तब तुम भी घूमोगे। तो रेन फॉरेस्ट में लेट्स से प्लांट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, अब देखो रेन फॉरेस्ट में बहुत होते हैं, मैं एक नंबर दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ 1000 एनिमल्स हैं और 1,00,000 प्लांट्स हैं, ऐसे हाइपोथेटिकल नंबर है मेरा, ऑब्वियसली कम है, इतने ग्रो कर रहे हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए लैंड है, खाने के लिए खाना है, बढ़िया से सनलाइट मिल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, पानी मिल रहा है, सब कुछ है, बट अब अगर इनका नंबर और इंक्रीज कर रहा है, तो नेचर के पास में से ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है इस रेन फॉरेस्ट में, और जगह नहीं है, अब नेचर धरती फाड़ के नई धरती तो निकाल नहीं सकती, ठीक है, जबरदस्ती, और वो और पानी कहाँ से रहे, जब जितनी बारिश होनी उतनी बारिश होनी है ना, वो जाके नेचर ऊपर ऐसे नहीं कि बादलों को पानी बरसाओ, उसके हाथ में नहीं है, राइट, सो नेचर की एक लिमिट है कि मैं एक हद तक बर्दाश्त करूंगी, प्लांट कितने ग्रो करेंगे, एनिमल कितने ग्रो करेंगे, फंगस कितने ग्रो करेंगे, उसके बाद नेचर सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो नेचर कहती है मेरी एक क्षमता है, मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करूंगी, जब तक बर्दाश्त करूंगी तब तक तो तुम बढ़िया से ग्रो कर लोगे, जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ना, उसके बाद क्या होगा, कंपटीशन, तो इस वैल्यू को जैसे ही ये क्रॉस करेंगे, इसके बाद कंपटीशन, अगर अब इनको सरवाइव भी करना है ना, तो इन्हें आपस में कलेश करना पड़ेगा, एक दूसरे से रिसोर्सेज छीनने पड़ेंगे, ठीक है, तो जिसके पास लैंड है, जो लड़के लैंड ले लेगा, उसके बच्चों को रहने की जगह मिल जाएगी, जो जानवर नहीं लड़ पाएगा वो भूखे मरेगा, राइट, सो ये जो क्षमता है ना नेचर की, वो कब तक बर्दाश्त कर सकती है, इसको हम बोलते हैं नेचर की क्षमता मंस कैरी कैपेसिटी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी। अब हम वैल्यू कैसे पुट करें ना, वो कितने प्लांट्स को ग्रो करने देगी, वो कितने मैंगो ट्री को ग्रो करने दे रही है, या कितने एनिमल को ग्रो करने दे रही है, अब ऐसे जानना बहुत मुश्किल है, तो हम ओवरऑल उसको कहते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल के से, सो व्हाट इज कैपिटल के, अगर मैं सीधा बोलूं, दिस इज अ नेचर की क्षमता, क्षमता समझते हो, सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, सैचुरेशन पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, सच में होता है बर्दाश्त कर लिया, मैं तुम खोलूं आधे घंटे की क्लास के बाद 1.5 घंटे और पढ़ेंगे, तो या तो तुम फोन से एग्जिट कर जाओगे या मेरे को साइड में रख दोगे फोन को कि बोलती रहे, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट है, कितना सुनोगे यार, चाहे कोई सब्जेक्ट पसंद हो ना पसंद हो, मतलब हिम्मत होती है, और मैं भी कितना पढ़ाऊंगी, मेरी भी हिम्मत है, अगर मैं जबरदस्ती पढ़ा भी लूं
पापी पेट के लिए, तो मेरी पोटेंशियल तो कम होती चली जाएगी ना, अब मैं उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगी जितना मैं बाद में पहले पढ़ा देती। सही बात है, तुम पहले हंस लो। सच तो यही है, जैसे घर वालों की बर्दाश्त करने की क्षमता, तुमने फोन चलाया उसने, उन्होंने देख लिया अच्छा संडे है, चल 5 मिनट चलाने, चल आधा घंटा चलाना, 2 घंटे बाद आया तुम उसी पोज में बैठो, टांगे ऊपर सर नीचे फोन में लगे, खींच के आएगा थप्पड़ फोन नाक में, क्योंकि क्षमता खत्म होगी घर वालों की बर्दाश्त करने की। तो जो तुम्हारी क्षमता है ना कि तुम कितना पढ़ सकते हो, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। तुम्हारे घर वालों की क्षमता ना तुम्हें कितना झेल सकते, दैट इज देयर कैरिंग कैपेसिटी। और नेचर की क्षमता है वो हमें कितना झेल सकते, दैट इज देयर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो उसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर कैरिंग कैपेसिटी टाप जाए फिर क्या होता है, फिर होता है प्रलय। प्रलय समझते हो, कंपटीशन। नेचर की कैरिंग कैपेसिटी तुमने सोची तो नेचर क्या करती है, नेचर करती है प्रलय, फिर लड़ते हो तुम। प्रलय कैसे आती है, जैसे मौसम खराब, अब मौसम बेमौसम, बारिश तो नहीं आई थी ना अभी, मानसून तो बिना मानसून के आ गया जल्दी, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, तुम देखिए कितने लैंडस्लाइड हुए, कितने सारे नुकसान हो गया। तो ये हुआ क्यों? Yes, ma'am. पहले अगर अपने पेरेंट्स से पूछो तो पहले 6-6 महीने हिमाचल में ठंड रहती थी, विंटर अच्छे आते थे, 6 मंथ्स विंटर रहते थे बहुत बढ़िया वाले, लेकिन अब नहीं होते। Yes. नहीं होते ना। Yes. राइट। अब इतना ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों हुआ, देखो एक पहाड़ बना था, उस पहाड़ पर लोग रहने लग गए, चलो उसने बर्दाश्त कर लिया, फिर उस पहाड़ पर लोग रह के पक्के घर बना लिए, उसने बर्दाश्त कर लिया, फिर उन्होंने पहाड़ काट के रास्ते बना लिए हम लोगों ने, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन टूरिज्म और आ गया, तो फिर पहाड़ों में तो रिसोर्सेज भी टूरिज्म से होते हैं, तो टूरिज्म और आया तो बहुत सारे होटल्स बन गए, पहले के मुकाबले बहुत होटल्स होते हैं, है ना, होटल्स आ गए तो गाड़ियां भी आ गई। अब तो एक पहाड़ के ऊपर तुमने कितने सारे लोग डाल दिए, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस होगी, जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस होगी तो नेचर कोलैप्स करने लगती है, तो वो क्या करती है, तो कहते हैं अब खिसक जाती है नेचर, तो ना कभी कभार पारा हाई हो जाता है कि अच्छा ऐसा है तो बताती हूँ तुम्हें, तो नेचर का भी कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो गई, ह्यूमन ने कर दी, इस वजह से मौसम खराब हुए, बेमौसम बारिश हुई, लैंडस्लाइड्स होने लगी, राइट। तो अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन जो आजकल जो आ रही है वो दैट इज बिकॉज ऑफ नेचर की कैरिंग कैपेसिटी हम क्रॉस कर रहे हैं, समझ आई? यो यो मैम। हाँ प्रवीण बोलो। पॉपुलेशन की वजह से रहा है ना। हाँ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन होगी ना, अब हर बंदा गर्मी में हिमाचल की तरफ भाग जाता है, अरे कितना बर्दाश्त करेंगे पेड़, है ना, पहले केदारनाथ में कम लोग जाते थे, अब सब जाते हैं, जैसे अब पहले तो जो ऊपर जा सकता था चल के वो जाता है, लेकिन अब तुम देखो हेलीकॉप्टर भी है, आप कैरी भी कर सकते हो, आप खच्चर भी ले सकते हो, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा जा रहे हैं, तो प्रेशर तो पहाड़ों के ऊपर ही पड़ रहा है ना, तो फिर वो अपने पॉइंट से खिसकेंगे ना, उनका भी एक कसूर है, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी जवाब दे रही है, समझे? तो मैं ये तुमको यहाँ क्यों बता रही हूँ, मैं यहाँ तुमको ये इसलिए बता रही हूँ कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यही है, कि लॉजिस्टिक ग्रोथ क्यों अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, क्योंकि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, एक लिमिट तक वो तुमको घर दे सकती है, खाना दे सकती है, उसके बाद वो नहीं दे सकती, राइट। तो अब इसका कर्व कैसे बनेगा, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना चाहूंगी तो कुछ मत करो, जो पी फॉर्मूला था dn बाय dt इज इक्वल टू rn, अब इसमें तुम नेचर की कैरिंग कैपेसिटी लगा दो, तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता को ऐड कर दोगे तो फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, फॉर्मूला वुड बी dn बाय dt rn, ये तो सही है, ये आएगा, इसके अलावा नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के, तो नेचर तो ऊपर भी है, नेचर तो नीचे भी है, माइनस n कर दो, बस आपसे ये फॉर्मूला पूछते हैं, के को इधर उधर करते रहते हो, तो याद रखना नेचर ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों तरफ लगाना फॉर्मूला में, सो दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, समझ आई? कितना बर्दाश्त करेगी, बस ये मत भूलना, के कैरिंग कैपेसिटी, आर वाला था इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई वाला था लॉगरिथम, ये 3 पॉइंट मत भूलना, फॉर्मूला गलत नहीं होंगे फिर लग जाएंगे, अब फॉर्मूला डन, अब एक बार ये देख लेते हैं कि इसी को हम बुलाते हैं बर्लोस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसका ग्राफ बनाया था, तो इसलिए उनको ऑनर किया जाता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम बर्लोस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी कहते हैं, तो अगर नाम के ऊपर क्वेश्चन गलत आ गया तो लानत है, अंडरलाइन करो इसको, ओके। अब ये कह रहे हैं इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं, आओ डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली ग्रोथ वो है, हमारे को कौन सी ग्रोथ दिखेगी, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक, हमें कौन सी होती होगी, इनिशियली पॉपुलेशन अपना नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करेगी या टाइम के साथ एडजस्ट कर रही होगी,
एडजस्ट कर रही पहले वाला जो फेज है ना, दिस इज नोन एज लैग फेज. पीछे नहीं लिखते हम लैग लॉग फेज, यहाँ लिखते हैं. तो लैग फेज का मतलब है वो वाला फेज जब वो एडजस्ट कर रही है. तो इस टाइम पे कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज जर्नी. अब एक आध के अगर रिप्रोडक्शन होगी तो बुरा मत मान जाना, ठीक है, बैक्टीरिया की मर्जी है, वैसे इंक्रीज नहीं होते. तो लैग फेज इज द वन जब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही, एडजस्ट कर रही है. और जब हम मौसम के अकॉर्डिंग या किसी जगह के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, हम उसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन. तो जब भी आप नई नई चीज स्टार्ट करते हो, जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई, तो एक दो हफ्ता आपने मेरे साथ एडजस्ट किया, मैंने आपके साथ एडजस्ट किया, तो मेरे को पता चल गया पागल हो तुम सारे, तुम्हें भी पता चल गया है ना, फिर हम एडजस्ट हो गए ना, अब हम आराम से कर लेते हैं क्लास. तो वो एक्लिमेटाइजेशन का फेज था, समझ आई? पता चल गया कि पूरा साल झेलना पड़ेगा यार इधर, मेरे को भी पता चला है इन्हें भी झेलना पड़ेगा पूरा साल. अब जब पता चल गया लैग फेज, उसके बाद रिसोर्सेस थे ना नेचर में, अब ऑर्गेनिज्म बढ़िया ग्रो करेगा, ठीक है. अब आएगी बढ़िया वाली ग्रोथ, एकदम पागलों वाली, तूफान मचा देंगे, ठीक है. ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे, इसे हम कहते हैं लॉग फेज. लैग नहीं है, लैग मतलब पीछे रह जाना. लॉग फेज का मतलब है वो जीवन का टाइम जब बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन है, इसी को रिप्रोडक्टिव फेज भी कह देते हैं. यहाँ पे बहुत ग्रोथ दिखेगी. देखो फेज है, ये कर्व नहीं है पूरा का पूरा, एक टाइम है. फेज होता है जिंदगी का एक टाइम, जब एक नया नया टाइम आता है ना तुम्हारी जिंदगी में, जब तुमको लगता है तुम सीनियर हो, ट्वेल्थ में आगे, तो तुमको थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होता है कि यार जिंदगी नरक होगी, बोर्ड आगे. स्टार्टिंग में तुम्हारा फेज था खुशी का, फिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि थक. इसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जब रिसोर्सेस लिमिटेड होने स्टार्ट हो गए, अब कॉम्पिटिशन आ गया. तो अब नए बच्चे पैदा करने से ज्यादा कॉम्पिटिशन ये है कि जो बच्चे हैं पहले उनको खाना मिल जाए. तो अगर न्यू इंडिविजुअल 100 इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है तो 50 की डेथ भी तो हो रही है, तो पॉपुलेशन का साइज ऑलमोस्ट सेम सा रहता है. तो इस फेज को आप बुलाते हैं स्टेशनरी. क्या बुलाते हैं? स्टेशनरी. जहाँ पे ऐसा नहीं है पॉपुलेशन रुक गई है, स्टेशनरी फेज का मतलब है बर्थ डेथ रेट ऑलमोस्ट मैनेज्ड है ना, पॉपुलेशन ठीक ठाक चल रही है, ठीक है. अब अगर इससे ज्यादा आगे जाओगे तो फिर भाई डिक्लाइन तो आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं. तो अब जब डिक्लाइन आता है ना, उस फेज को आप क्या बुलाते हैं? मैं ये बड़ा बोर्ड काट, अरे ये क्या हो गया, वो पूरा चला गया, इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक. एसिम्प्टोमेटिक आई थिंक ये स्पेलिंग है. तो दैट इज अ डिक्लाइन वन. इतना क्लियर है ये कर्व? यो यो मैम. इतना बनाया? यस मैम. बना लो और जरा अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरे को चेंज करना है इसमें कुछ. अच्छा अभी ए सिम्टम को मैं हटा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से बनाती नहीं है, लेकिन कम वक्त जिक्र करते हैं. बताओ हद होती है. अगर मैं इस कर्व को इतना बना दूं तो मुझे कर्व देख के बताओ कि पहले तो इसकी शेप कैसी है, जे लग रहा है या एस लग रहा है? एस. तो एस सी नहीं है भाई, एस शेप्ड है. एस शेप्ड कर्व हम इसको कहते हैं, और इसी को हम लोग सिग्मोइड भी कहते हैं, ठीक है, सिग्मोइड कर्व है. दूसरा चीज, मेरे को ये देख के बताओ कि नेचर की क्षमता कहाँ जवाब देगी होगी, के कहाँ पे लगाया? तो उसने क्या किया, लैंडस्लाइड्स होने लग गए, तूफान आने लग गए, सारे तो नहीं मरे ना, कुछ बचे ना, तो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश है. ऐसा तो नहीं है ना अभी भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे तो अभी पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आधी पॉपुलेशन तो खुद को संभालने में लगी है. तो ऐसा नहीं है डिक्लाइन आ जाएगा प्रवीण, कि स्टेशनरी के एंड में होगा, स्टेशनरी की स्टार्टिंग में हो गया. तो लैग लॉग फेज जहाँ खत्म होता है, वहां पर लॉग फेज खत्म ही वहां होता है जब नेचर की हिम्मत जवाब देती है. तो यहाँ तक सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए तुमने, अब उसके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं है, तो अब पॉपुलेशन में ज्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के. तो पीछे लेके जाओ वैल्यू को, हमेशा एक्सट्रपलेट करो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे वैल्यू आती है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब यहाँ पहुंची थी ना, तब हमने कहा था कि मैक्सिमम नेचर ने सपोर्ट कर लिया, अब इसके बाद वो सपोर्ट नहीं कर पाई. समझ आया? ठीक है, अब देख लो इसको, पढ़ लेते हैं. इसमें तो क्या ही है, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट, एक जगह पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, शो इनिशियली अ लैग फेज. पहले लैग फेज आएगा, उसके बाद फेज आएगा एक्सेलरेशन का, वही रिप्रोडक्शन का, जिसे हम लॉग फेज भी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद डेक्लेरेशन का आएगा, बेसिकली स्टेशनरी फेज आता है जहाँ पे कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज नहीं होता. तो यहाँ वर्ड थोड़ा ही अजीब लेते हैं, लेकिन स्टेशनरी फेज है. और फाइनली एक फेज आएगा जिसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है. क्लियर? क्लियर मैम. क्लियर मैम.
है जी, बस इतना ही था। अभी मैं तुम्हें ग्राफ दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी ने बनाया है। एनसीईआरटी एक साथ प्लॉट करती है। कौन सा पेज नंबर है ये? 230 देख, 194 ये एक्स एक्सिस, 230 टी से टाइम, ये अपनी वाई एक्सिस, एन से पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल वाले। पहला ग्राफ है ए वाला जो है जे शेप का, डीएन बाई डी टी इक्वल टू आना है। ये कौन सी पॉपुलेशन बता रहा है ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक। इधर जाओ, जो ये वाला है दिस इज अ सिग्मोइड कर्व, ये कौन सी बता रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में ही आपको देखो पीछे एक्सट्रपोलेट होके के की वैल्यू आ रही है ना? यस मैम। तो ये इस ग्राफ में बस वो यही दिखा रहे हैं। अब क्लियर है ग्राफ सबको? यस। वो मेंशन कर रहे हैं ए को आप लेबल करने के लिए आता है ये ग्राफ। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। जो रिसोर्सेज है अनलिमिटेड है, इसलिए ग्रोथ भी अनलिमिटेड है। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, जब रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। और के स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी। हां जी पूछो प्रदीप। बी वाले ग्राफ में लॉग फेस कौन सा है? हां बी वाले ग्राफ में लॉग फेस कौन सा है? लॉग फेस हम ना, अगर तो मैं इसको उसमें बनाऊंगी ना लॉग टेबल के अकॉर्डिंग, तब मैं ज्यादा अच्छे से वैल्यू बता पाऊंगी। अभी तो मैंने लॉग में नहीं बनाया, तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ से मुझे इंक्रीज होता दिख रहा है, तो लगभग यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि लॉग फेस चल रहा होगा। और मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं, अगर मैं और भी दूसरे ग्राफ का ध्यान में रख के बोलूं, तो यहाँ तक लॉग फेस है। लेकिन अगर इतनी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ना, तो हम बोल स्टेशनरी होनी स्टार्ट हुई है, तो ये पूरा पॉइंट पे वो तुम्हें के दिखा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो जो तुम एक्यूरेट वैल्यू मांग रहे हो ना ग्राफ में, वो तब आएगी जब मैं लॉग के रिस्पेक्ट में इस ग्राफ को बनाऊंगी। लेकिन ये वैसा नहीं बना ना, तो नॉर्मल बना है, तो इसमें थोड़ा वैल्यू इतना क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? समझ आई बात? चलो जी, ओके ओके। सो आपका 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दूसरा बैच ज्वाइन करेगा। आपको भी वही आना है दूसरे बैच वाले लिंक पे। ठीक है।